नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों को 10वीं क्लास के लिए मैथ का 100% एग्ज़ाम में टकराने वाला आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूरी किताब का है, एकदम चुन चुन कर बता रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में ये प्रश्न लड़ जाए और आप अच्छा मार्क्स भी उठा पाए। तो अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखना, केवल चुन चुन कर ये प्रश्न लेकर आए हैं हम, ठीक है ना। अच्छे से देखना, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और सारा आप बना भी लेंगे। दोस्तों ये चुनिंदा इस बार का क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं बिहार बोर्ड का लोगो लगा हुआ है कि एग्ज़ाम में ये चांस बनता है क्वेश्चन आने का। तो 18 नंबर आपका प्रश्न है दोस्तों कि बिंदु 6, -5 का भुज क्या होगा। तो हम आपको पढ़ाए हैं जो पहला होता है ना वही भुज होता है, तो कोई भी बिंदु दिया रहे जो पहला होगा ना वही भुज होता है। तो पहले 6 है तो 6 आपका भुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर है, सेक स्क्वायर 60° -1 का मान क्या होगा। सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सबसे पहले दोस्तों सेक 60 का मान आपको याद करना पड़ेगा क्या होता है। तो सेक 60 का मान होता है 2, और 2 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है, और माइनस में 1, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 1 का 1 हो जाएगा। अब 4 में से 1 घटेगा तो 3 मिल जाएगा। 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है दोस्तों कि यदि x² + 5x + 8 शून्यक अल्फा कम तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का मान ना होता है माइनस में b/a होता है, माइनस में b/a होता है, ध्यान में रखना। तो अब देखिए आपको b का मान निकालना है, तो सबसे पहले बराबर का चिन्ह देंगे, बी के पहले माइनस है तो माइनस देंगे। देखिए अगर आप बी का मान निकालेंगे तो यहाँ से आपको 5 मिल जाएगा, तो 5 रख दीजिए। और बाटा में ए का मान निकालिएगा तो एक्स के पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, तो मतलब कि एक्स के पीछे 1 छुपा हुआ है, तो -5/1। और -5/1 का मतलब होता है -5 में 1 भाग दीजिएगा ना, तो -5 ही मिल जाएगा, यानी कि आपका आंसर इसका भी बी नंबर मिलेगा। 19 का बी नंबर मिला तो आपका 20 का भी बी नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है, ये क्वेश्चन इस बार एकदम पक्का आएगा, 21 नंबर। यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का जो उन्नयन कोण, अगर समान, अगर देख लो बस ये याद रखना, अगर कुछ भी समान दिया रहे, समान बस दिया रहे, समान मतलब कि बराबर होता है, तो आप आँख मूंद कर 45° पर याद कर लेना, 45 ही डिग्री होगा। कुछ भी समान अगर क्वेश्चन में लिख दिया तो समझिएगा 45 डिग्री। अगला आपका क्वेश्चन है 22 नंबर, यदि ए और बी ऐसे दो न्यून कोण हैं sin A = cos B, तो आपसे पूछा गया A + B का मान क्या होगा। दोस्तों A + B = आपका 90 डिग्री मिल जाएगा, क्योंकि साइन ए को आप लिख सकते हो क्या, कॉस आप लिख सकते हो ना। देखो साइन ए को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, cos 90 - A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि cos 90 - A = sin A हो ही जाएगा, आपका फार्मूला होता है, और बराबर में आपका कॉस क्या है, तो कॉस बी है, तो कॉस इधर से कट जाएगा, तो 90 - A = B बचेगा। इस प्रकार A + B का आपका मान 90 डिग्री मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। और अगला आपका प्रश्न आता है दोस्तों 23 नंबर, ये क्वेश्चन आपका 23 नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंदु 4, -1 और 2, -3 के बीच की दूरी क्या होगा। इन दोनों के बीच की दूरी आपको बताना है कि क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों के बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी आप निकालिएगा ना, तो 2 × 4 और आपका मिल जाएगा 4 × 4 = 16, 20 मिल जाएगा, और 20 का फैक्टर तोड़िएगा ना तो मिलेगा 4, 4 + 5 = 20, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब मिलेगा। दूरी सूत्र का फॉर्मूला याद है ना, ये वाला होता है, मैं लिख देता हूँ क्या होता है, x² - x1² होता है, यही होता है ना, और प्लस में क्या होता है, प्लस में y² - y1² होता है, यही होता है ना, यही वाला होता है फॉर्मूला, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए अगला आप लोगों का प्रश्न आता है, अगला प्रश्न आपका है 25 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चुनिंदा प्रश्न बता रहे हैं आपको, ये एग्ज़ाम एकदम लड़ेगा, अच्छे से मिस मत करना वीडियो को, ठीक है ना। और हाँ ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आप लोग अगर डेली एकदम फ्री में लाइव क्लास करना चाहते हो, डेली एकदम फ्री में,
तो ये हमारा नंबर नोट कर लो। इस नंबर से हम व्हाट्सअप चलाते हैं, हमारे व्हाट्सअप पर हाई लिखकर SMS कर दीजिए। जैसे ही आप हाई लिखकर SMS करिएगा ना, तो इधर से हम आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भेज देंगे और आप उस लिंक पर क्लिक करके ग्रुप में चले जाना। और ग्रुप में चले जाओगे ना तो ऊपर फॉलो का ऑप्शन दिखाई देगा, बेल आइकन दिखाई देगा, फॉलो करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वो आप कर लोगे जब लिंक भेज देंगे तो, ठीक है ना, तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। यदि 1, 4, x, 5 तथा 12 का माध्य 7 हो तो x का मान, तो माध्य 7 बराबर इस सबको जोड़ दीजिए, तो 12 और 1 13, 13, 4, 17, 17, 5 कितना हो जाएगा, 17, 5, 22 हो जाएगा। 22 में आप x जोड़ दीजिए और बाटा में पता है क्या लिखना है, कौ गो है 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 5 लिखना है। अब 7, 5, 35 गुणा कर दीजिए, बराबर में आपका हो जाएगा 22 + x हो जाएगा। अब 35 में से 22 घटेगा तो 8 उधर 5 इधर, आपका 13 मिल जाएगा, यानी कि सी नंबर x का मान मिलेगा। घटा कर देख लीजिए आप लोग। अगला आपका प्रश्न आता है दोस्तों, ये तो क्वेश्चन हम आपको बताए थे, बहुत बार हम आपको ये क्वेश्चन बताए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का गुणनफल 86, 70 है और उसका मौसा 17 है, तो उसका लौसा क्या होगा, तो उसका लौसा क्या होगा, तो ध्यान रखना है। तो आपका ये 86, 70 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा LCM, LCM गुणे HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो देखिए आपका ये आपका कितना हो जाएगा, 86, 70 हो जाएगा और बराबर में LCM निकालना है और HCF का मान आपका 17 दिया है, तो 17, 5, 85, 17 + 17 और 0, यानी कि LCM का जो मान मिलेगा ना वो कट कर मिल जाएगा 510, और 510 ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों दिया गया है और ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास प्रश्न है 30 नंबर, 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात। तो सबसे पहले लौसा ऊपर होना चाहिए और क्योंकि लौसा पहले कहा है और बाटा में आपका मौसा नीचे होना चाहिए, अनुपात का मतलब होता है बाटा, ठीक है। देखिए 6, 8, 22 भी सम संख्या है, 8 भी सम संख्या है और 22 भी सम संख्या है। तो कहा जाता है ना, 2 या 2 से अधिक अगर सम संख्या रहे और उसका मौसा निकाला जाए तो हमेशा 2 ही मिलेगा, मतलब कि आपका बाटा में 2 मिल जाएगा मौसा, और लौसा इनका निकालिएगा ना तो मिलेगा आपका कितना, 264 मिलेगा लौसा। आप निकाल कर देख लीजिए, 264 लौसा मिल जाएगा। इस प्रकार ये कट जाएगा 132 बार में ऊपर और नीचे एक बार में, तो 132/1, और 132/1 को हम लोग ना 132:1 लिख सकते हैं। आप इसका LCM निकालिएगा तो 264 मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है ना। वीडियो को लाइक मत करना, चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लेकिन अगर 264 मिल जाए सब लोग वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा, ओके। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न आता है 31 नंबर, sec थीटा बराबर है। दोस्तों sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, sec थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/cos थीटा, इसे याद रखना। अगला हमारा प्रश्न आता है 33 नंबर, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता PE हो तो निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सही है। दोस्तों देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 0 < PE < 1, यानी कि इसका मतलब हुआ प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होगा, इसका ये मतलब हुआ। अब आप लोग ये मत कहिएगा सर जी प्रायिकता का मान 0 से बड़ा 1 से छोटा होता है, अगर ये आप कथन कहते हैं, ये बात बोलते हैं ना, तो 100% गलती हो जाता है, क्योंकि जब आप बोल देते हैं ना 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो आप 0 और 1 को छोड़ देते हैं, जबकि 0 और 1 प्रायिकता का मान होता है। इसलिए कभी भी बोलिएगा तो कहिएगा प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा 1 या 1 से छोटा होता है। एक्चुअल में अगर ऐसे बोलिएगा ना तो कोई भी आपसे है ना प्रभावित हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुपद x² - 2x - 3 के शून्य के कौन से हैं, मतलब कि इसका आपको फैक्टर तोड़ना है। तो जब तक आप इसका फैक्टर नहीं तोड़ेंगे तब तक आप इसका आंसर तो नहीं बता पाएंगे, तो आपको फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। चलिए फैक्टर तोड़ते हैं, x² - 2x है ना माइनस में, इसको हम क्या करते हैं माइनस में हम कर लेते हैं, माइनस में 3x कर लेते हैं, प्लस में x कर लेते हैं, माइनस में 3, तो x और ये आपका हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x - 3 मिल जाएगा और इधर आपका +1 मिल जाएगा, इधर x - 3 मिल जाएगा, यानी कि x का मान आपका मिलेगा एगो माइनस में 1 मिलेगा, एगो प्लस में 3 मिलेगा,
तो माइनस में एक प्लस में तीन, ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। यकीन नहीं है तो बना लीजिए, इसके आगे आपको आता ही होगा, ठीक है। नहीं आता होगा कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर बताऊँगा। अगला देखिए मेरे दोस्तों, अगला आप लोगों से प्रश्न पूछा गया 35 नंबर कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। जैसे कि दोस्तों ये हमारे पास वृत्त है, तो एक वृत्त प्रकार है किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो जो स्पर्श रेखा होती है, जैसे कि ये टच हमने करा दिया, स्पर्श रेखा हो गया, इधर से हमने टच करा दिया, ये भी स्पर्श हो गया, इधर से मैंने टच करा दिया, स्पर्श हो गया, इधर से टच करा दो, ये भी आपका स्पर्श रेखा हो जाएगा, इधर से टच करा दो। तो जब भी स्पर्श रेखा टच करती है ना वृत्त पर, तो किसी एक ही बिंदु पर टच करती है, एक ही बिंदु पर, कहीं ना कहीं एक ही एकदम बिंदु पर टच करेगी, तो एक बिंदु पर टच करती है, सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 का बहुलक होगा। तो देखो बहुलक निकालना बहुत आसान होता है, इस इतना सारा अंक दिया है, इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन अंक है, तो 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, 3 बार 2 दिया, सबसे ज़्यादा बार 2 है, तो मतलब कि 2 ही आपका सही जवाब हो जाएगा, 2 ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। दो जो लोग भूल गए हैं वीडियो को लाइक करने के लिए ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। 37 नंबर प्रश्न है आपका, यदि संख्या है 2x-1, 3x+2 तथा 6x-1 हो तो समांतर श्रेणी में हो तो x का मान बताएं। तो दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था, अगर 3 गो पद AP में रहे ना, तो बीच वाला दुगुना हो जाता है और पहला तीसरा का जोगफल हो जाता है, यानी कि जो हमारा 3x है ना, ऐसे हो जाएगा आपका, मैं बता देता हूँ। बीच वाला क्या है, बीच वाला आपका है 3x+2 है, तो 3x+2 का दुगुना हो जाएगा, तो 2 से गुणा कर दीजिए, दुगुना हो जाएगा, और बाकी आपका 2x-1 और प्लस कर दीजिए क्या, तो प्लस आप कर दीजिए 6x-1 आप ये कर दीजिए प्लस, हो तो गया। तो देखिए 2 में 3 में गुणा करिएगा, 6x और आपका 2 दूने का ये 4 मिल जाएगा, बराबर में 2x और 6x 8x मिल जाएगा, -1, -1, -2, ठीक है ना। अब देखिए 4 में 2 आ जाएगा इधर, तो जुट जाएगा 6 मिल जाएगा, बराबर में 6 जाकर इधर घट जाएगा, तो आपका 2x मिल जाएगा। अब 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो x का फाइनली मान मिलेगा 3। आप लोग देख लीजिए, बहुत बढ़िया से आप लोग देख लीजिए, x का मान 3 मिलेगा। अगला फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण px2+4x+3=0 का मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। मूल बराबर हो तो p बराबर, d बराबर पता है ना 0 होता है, और d का मान तो सबको पता है बखूबी कि b²-4ac होता है बराबर में 0 होता है, ये तो बखूबी सबको पता है ना, पता दोस्तों, पता होना भी चाहिए। अब देखो मैं क्या करता हूँ, बखूबी मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, b का मान यहाँ से आपका 4 मिल जाएगा, पता है ना, a का मान आपका p, b का मान 4, c का मान 3, तो b का मान 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो 16 मिल जाएगा, -4 × a का मान क्या मिल जाएगा, p मिल जाएगा, चलो ठीक है, गुणा सी का मान क्या है 3 है, तो 3 हो जाएगा बराबर में 0, तो ये 16 हो जाएगा, और -4 = 12, तो माइनस आपका 12p मिल जाएगा बराबर में 0। तो अब देखिए 16 और बराबर में उधर जाएगा, तो आपका प्लस में 12p हो जाएगा, तो 4 × 12, 4 × 4=16, यानी कि p का मान निकालिएगा तो 4 ऊपर और 3 नीचे, 4/3, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 2 लगातार संख्याओं का महत्व, 2 लगातार, जैसे कि आपका गिनती हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ... अनंत तक, तो इनमें से कोई भी 2 को संख्या लगातार लीजिए, चाहे 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, कोई भी 2 को लगातार लीजिए और उसका महत्व निकालिए, आपका मिल जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा प्रश्न आता है 40 नंबर प्रश्न है, बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से है, तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब देखो क्या होगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कोई भी दूरी निकालना होगा मूल बिंदु से, तो फार्मूला याद रखना √x² और प्लस में आप याद रखना y², ये मैंने आप लोगों को बोला था बखूबी, इसे आप लोग याद रखना। तो देखिए x का मान आपका 2 हो जाएगा और y का मान 3 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करिएगा यहाँ पर और प्लस में 3 का स्क्वायर करिएगा, तो इस प्रकार दोस्तों 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस प्रकार ये हमारा मिल जाएगा कितना √13 मिल जाएगा, 9 × 4 = 13, 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए सी नंबर आंसर मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा 41 नंबर है। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी और बराबर भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर ये आपका डी नंबर मिल जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत लंबा होता है, बी बटे फोर अंडर रूट में 4a² - b² ये बहुत लंबा होता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 42 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हमारे पास दो गो समीकरण दिया गया है और कह रहा है अद्वितीय हल। तो दोस्तों ये जो अद्वितीय हल होता है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है a1 / a2, ये बराबर नहीं होता है कभी भी b1 / b2 के, याद रखना ठीक है ना। तो ये जो आपको x के पीछे दिख रहा है ना एक छुपा है, वो हमारा a1 होगा। ये जो आपका दो दिख रहा है ना, ये हमारा b1 हो जाएगा। ये जो तीन दिख रहा है ना, ये हमारा c1 हो जाएगा समीकरण एक का। और वैसे ही आप यहाँ पर समीकरण दो में a2 b2 और c2 आप कर सकते हो। तो आप बताइए इसको, आप इस फॉर्मूला को देख कर बनाइए। a1 का मान कितना है, एक है तो एक बाटा में। a2 का मान कितना है, देखिए तीन है तो तीन, बराबर नहीं। अब देखिए b1 का मान कितना है, b1 का मान -2 है तो -2 बाटा में। b2 का मान कितना है, k है तो k। अब तिरछा तिरछे गुणा करिएगा तो k बराबर नहीं, k में एक में गुणा करिएगा तो k, तीन में -2 से गुणा करिएगा तो -6, यानी कि k बराबर नहीं होगा 6, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है आप लोग बखूबी देख ही सकते हो, ठीक है ना, देख रहे हो ना आप लोग। अब अगला आप लोगों का प्रश्न आता है 57 नंबर। ये क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखना, कितना मिनट का वीडियो हो गया, 15 मिनट का हो गया ना, 20 मिनट का लगभग वीडियो होगा, आप लोग अच्छे से देखिएगा ठीक है ना। 57 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पाद में किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, तो x को छोड़ दो y में चले जाओ। तो y में जब जाओगे तो y का मान कोटि भी कहलाएगा, y को हम लोग x y नियामक भी कहते हैं, y निर्देशांक भी कहते हैं। तो ऑलरेडी कोटि दिया है, कोटि पर टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन है, बहुपद 2 - x (x - 1) का शून्य का गुणनफल। तो सबसे पहले 2 - x (x) में गुणा करिएगा x², फिर -x में -x से गुणा करिएगा तो प्लस में x मिल जाएगा, ध्यान में रखना। तो इसमें दोस्तों आपसे कहा जा रहा है ना, इसको सजा दीजिए, जैसे कि -x² पहले, फिर प्लस में x और आपका प्लस में 2, ऐसे कर दीजिए। और शून्य को गुणनफल होता है c/a, तो c का मान आपका क्या है, c का मान 2 है तो ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बाटा में a का मान यहाँ से आपका -1 मिल जाएगा, क्योंकि पीछे एक छुपा हुआ है और माइनस भी है तो -1 मिल जाएगा। 2 - -1 यानी कि -2 आपका आंसर मिल जाएगा a नंबर। अब देखिए अगला आप लोगों का दोस्तों प्रश्न आता है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। देखिए 1 × 5 × 7 × 24 × कौन समांतर श्रेणी में है आपको बताना है। एक्चुअली समांतर श्रेणी में है ये तो हमको लगता है बहुत कन्फ्यूजन करता है। 5 × 25 होगा, 25 में से 1 ² घटाइएगा तो 24 मिल जाएगा। 7 ² आपका 49 मिलेगा, और 49 में तो दोस्तों आप 25 घटाइएगा ना, तो हमको लगता है कि 25 × 50 24 मिल जाएगा। और 73 में से 49 घटाइए तो 73 में से आप 49 घटाइए तो आपका मिल जाएगा 13 - 9 = 4 मिल जाएगा, 6 - 2 = 4 तो आपका 2 मिलेगा, 24 मिल जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन ना, यहाँ पर क्वेश्चन गलत किया है, 59 नंबर क्वेश्चन कहना चाहिए, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है ये क्वेश्चन कहना चाहिए। क्योंकि अगर कह रहा है कि समांतर श्रेणी में कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए भी समांतर श्रेणी में है, ऑप्शन नंबर डी भी समांतर श्रेणी में है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो ऑप्शन नंबर नहीं, डी नहीं है, सी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका है समांतर श्रेणी में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी मिसप्रिंट किया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए ऑप्शन में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और बी समांतर श्रेणी में है और ऑप्शन नंबर सी और डी समांतर श्रेणी में नहीं है। जो तेज विद्यार्थी होंगे इस क्वेश्चन को गौर से देखना, ऑप्शन नंबर ए और बी समांतर श्रेणी में है जबकि ऑप्शन नंबर सी और डी समांतर श्रेणी में नहीं है, इसका मतलब कि क्वेश्चन गलत कहीं ना कहीं किया है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप लोग टेंशन मत लीजिए मेरे रहते हुए, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसा ऑप्शन नहीं देगा, देगा तो आप उसे छोड़ देना, आपको एक नंबर फ्री में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, ई बहुपद नहीं होगा क्योंकि चर मान बाटा में आ चुका है, जो चर मान बाटा में आ जाता है ना वो बहुपद नहीं होता है। अगला आपका प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन कौशिक थीटा के बराबर है, तो कौशिक थीटा के बराबर कौन है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा, 1/sin θ, ये कौशिक थीटा के बराबर होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब देखिए अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 63 नंबर, असंभव घटना की प्रायिकता। दोस्तों असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। और अगला फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में x² - √2x - 12 के शून्य कौन होगा, इसका शून्य आपको निकालना है। ये तो दोस्तों काफ़ी लंबा प्रश्न आ गया, इसका आप लोग फैक्टर तोड़िएगा ना, तब जाकर आप लोगों को पता चलेगा कि इसका एक्चुअल में जो शून्य मिलेगा वो क्या मिलेगा। देखो आप इसका फैक्टर कैसे निकाल सकते हो, आप इसका फैक्टर निकालिएगा 4√2
और आप निकालिएगा तो 4 3 12, 3 2 6, 3 2 6 और 6 2 12, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में 3 क्या रखिएगा, 3√2 रख दीजिए, 3√2 रख दीजिए एक्स, और आप रख दीजिए प्लस में रख दीजिए 2√2x रख दीजिए, ताकि इसमें से ये घटेगा तो आपका माइनस में √2x मिल जाएगा और गुणा करने पर मिल जाएगा। इस प्रकार दोस्तों 3√x का मान 3√2 मिलेगा, प्लस में 3√2 कहीं मिला है, इस प्रकार हमारा x का मान मिले, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3√2 मिलेगा, एक तो ये मान मिल जाएगा और माइनस में 12, एक मिनट, इसका आंसर आपका मिलेगा, इसका आंसर हमको लगता है कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी नंबर मिलेगा, ठीक है ना, इसका आंसर हमको लगता है कि ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। इस क्वेश्चन को एक बार मैं देख कर बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमको लगता नहीं कि उसका ऑप्शन दिया है, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ऑलरेडी कॉमन लेने पर, हाँ सी नंबर सही आंसर मिलेगा इसका, ठीक है ना, सी नंबर इसका आंसर मिलेगा, आप लोग इसे नोट कर लेना, ठीक है ना। अगर किसी को डाउट है तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि मैं डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। दोस्तों पता है इसका आंसर नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्स का मान मिलेगा 3√2 और एक मिलेगा माइनस में 2√2, जो कि नहीं दिया है, अभी मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम लग जाता सॉल्व करने में, इसलिए मैंने वीडियो को रुका कर सॉल्व करके मैंने देख लिया, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, जिसको डी बोलते हैं, और डी बराबर आपका 2r होता है। अगला आपके पास प्रश्न है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे जमीन पर खड़ी छाया की लंबाई 4√3 मीटर है। देखिए यह आपका क्या है, यह आपका 12 मीटर ऊंचा एक वो खंभा है, और ज़मीन पर जो छाया बना है ना नीचे, वो 4√3 मीटर है, ठीक है ना, और यहाँ का जो थीटा का कोण बना है वही बताना है, तो ये पी हो गया, ये बी हो गया, तो टेन का प्रयोग करो, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, यानी कि 12/4√3 आपका 3 हो जाएगा, तो 4 3 12, √3 से 3 कट जाएगा √3 बार में, यानी कि टेन थीटा बराबर √3, टेन 60 का नमान होता है, तो टेन 60 हो जाएगा, टेन टेन कट जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिलेगा, ठीक है ना। तो यही दोस्तों लास्ट प्रश्न था, यही आपका लास्ट प्रश्न था, ये सब गेस करके VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताए हैं, अगर एक भी क्वेश्चन को मिस करते हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, भले क्वेश्चन ना समझ में आया हो आप कमेंट करके बताइए, सर जी इस क्वेश्चन को एक बार फिर से लाइव क्लास में बता दीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा, लेकिन आप वीडियो को छोड़ कर जाएंगे तो गलत बात है ना।